दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। पुलिस और आम जनता में बेहतर तालमेल बनाने के उद्देश्य से पुलिस सांझ केंद्र नॉर्थ पुलिस जलंधर द्वारा स्थानीय सोडल मार्केट में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए इंस्पेक्टर सुभाष अरोड़ा ने लोगों को राइट टू सर्विस एक्ट संबंधी जानकारी दी। बैठक में वरिष्ठकालीन नेता कमलजीत सिंह गांधी और सदस्य डॉली हांडा ने सांझ केंद्र में लोगों को दी जा रही सुविधाओं संबंधी जानकारी दी। बैठक में कमेटी के सचिव सुरजीत सिंह, मीनू सिंह, दीपाली बांगड़िया, एएसआई सुरेश कुमार, संजीव कुमार, इंद्रजीत सिंह, रत्नेश सैनी, अरविंद कंबोज, शमा सेतिया, उपकार कौर, वीना, सिमरन, मलकियत सिंह, परमिंदर सिंह, निर्मल सिंह सहित अन्य इलाका निवासी भी मौजूद थे। असी इतने सोडल चौंक के एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया, जिसका मकसद यह कि लोगों जो पंजाब सरकार वालों एक नवा आर टी एस बनया गया, राइट टू सर्विस एक्ट बनया है, जिंद तहत जिड़िया 25 तरह सेवावान प्रोवाइड की जा रही है साढ़े पुलिस महकमे द्वारा, उन्होंने बारे वधिया तरीके जाणू करवाया जा सके। और इस तो अलावा जोड़ा है पेरेंट्स के नाल जो बच्चों के इतने इकट्ठे हुए है उन्होंने ट्रैफिक के बारे जो एजुकेशन बारे उन्होंने बारे भी विचार वटांदरे किए गए हैं। सांझ केंद्र 8 नंबर के वालों असी यह मीटिंग सोडल नगर के सोडल चौंक रखी है। ये असी लोगों जागरूक करने के लिए उन्होंने हकों के बारे और अगर उन्होंने कोई परेशानी आती है तो पुलिस स्टेशन के नाल 8 नंबर थाने के सामने सांझ केंद्र खुलिया होया है, उत्थे अपनिया सारिया जानकारियां अपना जो भी उन्होंने प्रॉब्लम हैगी दस सकते हैं।